हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके डिजिटल में भी आता है, डेटा सिग्नल में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। स्कूल्स या कॉलेजेस के वाइवा में भी ये मोस्टली पूछा ही जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ये किसी का बेस जानना है हमें सिग्नल, अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, उसका बेस पढ़ना है। सिस्टम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो हमें उसका बेस जानने के लिए हमें सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एनालॉग सिग्नल, जैसे कि आपको पता है कि एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कि कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एनालॉग सिस्टम, एनालॉग सिग्नल, तो ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में हो गया ये हमारा। और आपका डिजिटल डिजिटल क्या होते हैं, आपके डिस्क्रीट होते हैं। ये क्या है, ये आपका डिजिटल हो गया, ये आपका वन हो गया, जीरो हो गया, मतलब मीन्स आपका यहाँ पे ऑन हो गया। और जैसे ही नीचे जाएगा, जीरो है, जीरो मीन्स ऑफ हो गया, ऑन ऑफ, जीरो वन जीरो वन। जैसे कि आपका एनालॉग में क्या है, पूरी एक साइकिल, जैसे ये हाफ सर्कल हो गया और ये आपका दूसरा हाफ सर्कल हो गया, इन दोनों हाफ ऑफ सर्कल को मिला के आपका क्या बनता है, वन वन सर्कल बनता है। ये आपकी क्या है, साइन साइन और कॉस वेव, आप इनको कह सकते हैं, साइन और कॉस वेव होते हैं आपके, तो उसको क्या कहते हैं, आपका ये एनालॉग सिग्नल हो गया। एक पीरियड, आप ये भी कह सकते हो कि हाफ सर्कल और हाफ सर्कल, इन दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को मिला के आपको क्या बनता है, पूरा एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है, जीरो और वन, पूरा एक यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका क्या हो रहा है, एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक पीरियड कंप्लीट हो रहा है। ये आपका इधर वोल्टेज होता है। आपका एनालॉग में क्या होता है, एनालॉग में आपकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है, बैंडविड्थ आपकी कम होती है इसमें, मीन्स लो होती है आपकी बैंडविड्थ इसमें। और इसमें क्या होती है, आपकी बैंडविड्थ जो है हाई होती है, बैंडविड्थ हाई होती है। ये एनालॉग सिस्टम में आपके स्लो ट्रांसमिशन होता है। आप कुछ भी चीज़ ट्रांसमिट कर रहे हो तो बहुत स्लोली स्लोली आपका काम करता है। और आपका डिजिटल में क्या होता है, आपका फास्ट ट्रांसमिट होता है। जैसे कि अभी आप ये भी देख, एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, तो वो क्या है, एक तरह से वो एनालॉग है, क्योंकि मेरी पिच जो है थोड़ा सा कम होती है, कहीं कहीं हाई हो रही है और मैं रुक भी जाती हूँ, तो ये क्या है, ये हमारा एनालॉग है। डिजिटल आपका डिजिटली नहीं रुकता है, एक फॉर्म में आपका वर्क कर रहा है, तो वो क्या है, डिजिटल वर्क कर रहा है। आपके वॉच होती है जो कहते हो कि 9:45 हो रहे हैं, मतलब 9:15 बज रहे हैं, 9:10 बज रहे हैं, आप रीड करोगे जब आप उसको बताओगे कि एक्यूरेट टाइम ये है, एक तरह से आप उसको एनालॉग ही बोलो। लेकिन आपकी डिजिटल वॉच जो होती है एक्यूरेट टाइम बताती है कि 9:45 हो रहे हैं, 9:46 हो रहे हैं, तो ये क्या है, डिजिटल ही है, आपको एक्यूरेट टाइम बता रही है डिजिटल फॉर्म में। और सेकंड थर्ड इसका क्या हो गया, ये इसमें एरर ज़्यादा होती हैं, हायर एरर रेटिंग होती है इसकी, हायर एरर रेट होता है इसका। और इसका जो है लो एरर रेट होता है इसमें, मतलब एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। और आपके एनालॉग में डिस्टॉर्शन काफी होता है,
इसमें आपके कोई भी इसमें आपका कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। जैसे कि आप अगर इजी एग्जांपल देखो आपका, कि हम किसी को जैसे कि आपके सिग्नल एक्सचेंज हो जाते हैं, कि अभी आप बात कर रहे हो, कोई और बीच में बोल रहा है, आपको उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी और दूसरे वाले बंदे की आवाज़ सुनाई देगी, तो क्या एक डिस्टॉर्शन है? नहीं, आप उसकी समझ पा रहे हो ना दूसरे वाले की समझ पा रहे हो, तो क्या ये एक डिस्टॉर्शन है? तो वो क्या हो गया, एनालॉग हो गया। डिजिटल में कि जो आप सुनना चाहते हो वही डिजिटल होगी, ना ही आपकी किसी की आवाज़ उसमें डिस्टॉर्ट करेगी या नॉइज़ किसी की मिलेगी उसमें। इसमें क्या आपके डिजिटल में डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है, होता ही नहीं है, या तो होता ही नहीं है या होता है तो बहुत कम होता है आपका। आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।